पूर्व दिशा की प्रधान देवता आदित्य है। आदित्य देवता से प्राणिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जहाँ जहाँ प्राणों का संस्करण होता है वहाँ पर धी धृति और स्मृति की प्राप्ति होती है, और इसी का संदर्भ पूर्व दिशा से जुड़े हुए देवता वृंद में पाया जाता है। पूर्व दिशा का देवता वृंद इंद्र, रवि, सत्य और अर्यमा है, जिसमें अर्यमा को प्राणों का सागर कहा जाता है। तथापि इंद्र, रवि और सत्य इन तीन देवताओं से आपको धी धृति और स्मृति की प्राप्ति हो जाती है। तो धी धृति स्मृति और प्राणिक ऊर्जा, ये चार डायमेंशंस हैं, चार आयाम हैं, जिनकी प्राप्ति पूर्व दिशा के स्पंदनों से प्राप्त हो जाती है। तो पूर्व दिशा से जुड़ी हुई प्रधान देवता जो आदित्य है, इस आदित्य देवता की एक तरीके से व्याख्या की गई है। वो व्याख्या है आदित्यात् विष्णुर्जायते, मतलब जीवन में एक शिस्त है, ऑर्डर है, डिसिप्लिन है, वो आविष्कृत होने के लिए ये आदित्य देवता का प्रधान सत्कार्य भवन से जुड़ना चाहिए। जिस भवन में पूर्व दिशा में शौचालय है, पूर्व दिशा बंद है, पूर्व दिशा में ही एक बड़ा पहाड़ है, तो ऐसी जगह पर प्राणिक ऊर्जा का संकोच हो जाता है। और जब भी प्राणिक ऊर्जा का संकोच हो जाता है तब उस भवन में धी धृति स्मृति की प्राप्ति होती नहीं। ऐसी अगर स्थिति है तो वास्तुशास्त्र में तो त्रिकोणाकृति ताम्र धातु के हेलिक्स का हम आयोजन कर देते हैं, या पूर्व दिशा में बड़े बड़े मिरर्स का आयोजन कर देते हैं और वुडन पैनलिंग करते हैं, उसी में रेड कोरल हो, मूंगा हो और क्रिस्टल्स हो, इस प्रकार से हम वास्तुशास्त्रीय उपाय योजना करते हैं। इसी के साथ साथ अगर कोई यौगिक उपायों का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके व्यक्ति के अंतरंग में, अंतःकरण चतुष्टय में बहुत सुधार होने की संभावना है। इसीलिए किसी भी वास्तु में जब दोष रहते हैं तब बाह्य स्पंदन और आंतरिक स्पंदन, इन दोनों का ठीक ठीक से मिलाप होने के लिए हर वास्तुशास्त्रज्ञ ने उस दिशा से जुड़ी हुई देवताओं का स्पंदन पाने के लिए कुछ न कुछ प्रकार से चैंटिंग है, मुद्रा है या ध्यान पद्धति है, उसका आविष्कार करना आवश्यक है। जैसे आदित्य मुद्रा है, तो ये जो आदित्य मुद्रा है बहुत सिंपल है, सहज है, तो इस प्रकार से अगर व्यक्ति बैठता है और पद्मासन में बैठे या सुखासन में बैठे और उज्जायी ब्रेथ, उज्जायी श्वसन करता है, पूर्व की तरफ मुंह करके उज्जायी श्वसन करता है, आदित्य मुद्रा का आविष्कार करता है, तो उसके शरीर में, अंतःकरण चतुष्टय में आदित्य की ऊर्जा का संस्करण होगा। आदित्य का एक प्रकार से सटल दर्शन होगा, सूक्ष्म तरीके से दिव्य ऊर्जा का अनुभव उस व्यक्ति को होगा। तो वास्तुशास्त्र के माध्यम से सभोताल में हम जब सुधार कर देते हैं तो वो सभोताल के साथ साथ उसके अंतःकरण चतुष्टय से जुड़ी हुई योग मुद्रा का भी आविष्कार अगर हम कर देते हैं तो बाहर से स्पंदनों का होने वाला एक बदल है, उस बदल के साथ आंतरिक स्पंदन जुड़ जाते हैं और ये धी धृति स्मृति का ठीक ठीक से अनुभव व्यक्ति को बहुत ही कम समय में प्राप्त हो सकता है। यही यौगिक मुद्रा का एक असाधारण महत्व है। इसीलिए
उस दिशा से जुड़ी हुई देवता से जुड़ी हुई मुद्रा अगर ध्यान पद्धति में हम इसका इस्तेमाल कर देते हैं, उपयोजन कर देते हैं, और उसी के साथ अगर हम अपना ब्रेथ माने श्वास की गति जो है वो एक तरीके से उज्जायी ब्रेथ के तरीके से अगर करते हैं तो उसके एक बहुत अच्छा स्पंदन, एक कंपन अंतःकरण चतुष्टय में निर्माण हो जाएगा। और फिर यत् पिंडे तद् ब्रह्मांडे, इस प्रकार से बाह्य सभोताल और अंतःकरण, इसका जो मेल होगा, ये मेल के कारण धी धृति स्मृति का एक अच्छा अनुभव व्यक्ति पा सकता है। तो जिस भवन में पूर्व दिशा में शौचालय है, पूर्व दिशा बंद है, या पूर्व दिशा में जड़त्व है, ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति में उस भवन के अगर इस प्रकार आदित्य मुद्रा करके ध्यान पद्धति में, श्वास पद्धति में, प्राणायाम में अगर बैठते हैं 10-15 मिनट हर दिन, अगर सुबह में अगर ऐसे बैठते हैं, तो उससे एक बहुत अच्छा लाभ हर व्यक्ति को उस भवन में प्राप्त होगा। इसीलिए बाह्य सभोताल के साथ साथ आंतरिक जो स्थिति है उसमें सुधार पाना, ये भी वास्तुशास्त्रज्ञ का एक प्रधान कर्तव्य है। और इसीलिए जहाँ भी पूर्व दिशा बंद हो, इवन आग्नेय दिशा में भी अगर दोष हो, तो यह आदित्य मुद्रा का आपने इस्तेमाल करना चाहिए। और आदित्य मुद्रा से जुड़ी हुई जो देवताएं हैं, जो इंद्र है, रवि है, सत्य है, अर्यमा है, इनके प्रसाद पाने की संभावना बढ़ जाती है। यही यौगिक क्रियाओं का असाधारण महत्व है। इसीलिए हमारे वास्तुशास्त्रज्ञ को ये मुद्राएं सीखना अत्यावश्यक है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।